हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम कल की मूवी के प्रभास सर के इस रेफरेंस फोटो की ड्राइंग करेंगे। तो गाइज, इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली A4 साइज के एवरी पेपर का यूज करने वाले हैं। एंड गाइज, इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली ग्रिड मेथड का यूज करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेफरेंस फोटो के ऊपर ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन का यूज करके रेफरेंस फोटो के ऊपर कम्प्लीट ग्रिड लाइन्स को क्रिएट कर दिया है। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करना है तो गाइज, इस ग्रिड यूज रेफरेंस फोटो की लिंक आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद गाइस, अगर हमें सेम रेफरेंस फोटो जैसे ग्रिड लाइंस अगर अपनी ड्राइंग शीट में भी बनाना है तो हमें पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना होगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले सिंपली पेपर के ऊपर की तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस, मैं सेम पेपर के ऊपर की तरह नीचे भी वैसे ही मैं 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक ही मार्क कर रहा हूँ। बाकी गाइस, इसके बाद अब मैं सिंपली पेपर के दोनों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क करूंगा। गाइस, मैंने पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के कम्प्लीटली मार्क कर लिया है। इसके बाद अब मैंने सिंपली ये जो पेपर के दोनों साइड मार्क किया है, इन मार्क को मैं आपस में एक स्ट्रेट लाइन में मैच कर लूंगा। इसके बाद गाइस, मैं यही सेम चीज पेपर की अपोजिट साइड में भी कर ले रहा हूँ। तो गाइस, मैंने सिंपली ड्राइंग शीट में दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैंने सिंपली जो रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइंस को क्रिएट किया था, उस रेफरेंस फोटो पर जो ये मुझे अब नंबर दिख रहे हैं, ऐसे ही सेम नंबर में अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख रहा हूँ। गाइज, मैंने सिंपली रेफरेंस फोटो जैसे सेम ग्रेड लाइंस अपनी ड्राइंग शीट में भी क्रिएट कर ली है। इसके बाद जैसा कि मैं ड्राइंग को इस आई से स्टार्ट करने वाला हूं, तो ये आई किस बॉक्स में है। एंड गाइज, मैं सेम अपनी ड्राइंग शीट के उसी नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, तो गाइज यही नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी काउंट कर ले रहा हूं। तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, तो गाइज जब मैं सिंपली इस नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूं।
हैं।